लास्ट प्ली ये थी कि देर शुड बी हंड्रेड परसेंट काउंटिंग एक एक पर्चे की काउंटिंग करो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई हंड्रेड परसेंट काउंटिंग ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मना कर तो इंजीनियर्स की टीम जो है उसके बर्न मेमोरी को चेक कर सकती है अब उसमें कितने रुपए का खर्चा होना है वो खर्चा जो है वो कैंडिडेट खुद उठाएगा हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू डब्ल्यू क्लैट आई एम योर यॉटर इसरा खान एंड आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वी वी पैट आई एम वेरी श्योर बीते दिनों में इलेक्शन के टाइम पे और मोस्ट पॉपुलरली जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं ना तो हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं वी वी पैट बैलेट पेपर ई वी एम इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए आपके नोट्स बने होने चाहिए पॉलिटिकल एजेंडाज़ पॉलिटिकल इश्यूज़ इनको साइड कर लो और अपने एम के ऊपर ध्यान दो और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर तुम्हारे नोट्स स्पेसिफिकली तैयार होने चाहिए तो आज का ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वीवीपैट पैट के ऊपर एक जजमेंट दिया है एक स्टैंड लिया है और इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर केस के बाद जजमेंट के बाद स्टैंड के बाद क्या सारी चीज़ें चेंज होंगी रिगार्डिंग वीवीपैट पैट ये भी हम लोग आज के ही सेशन में समझेंगे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं की तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल विच इज़ इलेक्शन आउटकम और ये जो वीवीपैट है ना ये पहली बार मतलब इनफ़ोर्स आया था इफेक्ट में आया था 2013 में जब नागालैंड में आपके नोकसन एरिया में असेंबली कॉन्स्टिट्यू कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नागालैंड में जब इलेक्शन हुए तो वीवीपैट ये इनेबल करता है कि वोटर्स जो है वेरीफाई कर ले कि जिसके ऊपर आपने बटन दबाया है उसी का नाम जो है वो पर्ची में आना चाहिए है लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन होती है देखिए यहाँ पे हम तीन डिवाइसेस देख सकते हैं सबसे पहले एक ये यूनिट है ठीक है उसके बाद ये जो है आपका डिवाइस दिस इज दी बैलेट दिस इज बैलेट एंड वॉट इज दिस मशीन हियर विच यू कैन सी दिस मशीन योर वी वी पैट ठीक है इसके अंदर भी कुछ चिप्स विप्स इंसर्ट करी जाती हैं ये आपके ऑफिसर जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं ये उसका यूनिट होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का यूनिट होता है जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं बैलेट हम लोग गवर्न करते हैं बैलेट को हम लोग चलाते हैं भाई मान के चलो ए बी सी डी कई सारे कैंडिडेट्स हैं हमको यहाँ पे सी को या बी को यहाँ पे हमें वोट देना है हमने यहाँ पे बटन दबा दिया अब यहाँ पे जैसे ही हम बटन दबाएंगे वैसे ही यहाँ पे एक पर्ची आएगी और यहाँ पे लिखा होगा बी उसका सिंबल बना होगा तो ये पर्चे कट के यहां पे आपको दिखने लगेगा ये सारी चीजें होती हैं ये इफेक्ट में है और ये चल रहा है 2019 से. 2019 के में इसको शुरुआत हो चुकी थी इन सारी चीजों की तो अब वाई दिस न्यूज क्यों ये चर्चा का विषय बना ये बड़ी बात है भाई चर्चा का विषय इसीलिए बना क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सभी तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ रहे हैं रिगार्डिंग दी वी वी पैट क्या कुछ का कहना यह है कि मैंने जो जिस भी कैंडिडेट को यह मैं नहीं कह रही हूं ये आप न्यूज भी देख लीजिएगा क्रिटिक्स का भी ओपिनियन ले लीजिएगा दिस नॉट माय व्यू वॉट एवर दी मीडिया हैज रिपोर्टेड वही मैं आपके सामने लेके आई हूं करेंटली ये स्टैंड क्लियर करना भी बहुत जरूरी है तो ये जो ओपिनियन आ रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि जिसको मैंने बैलेट में जिसके ऊपर टैप किया है या बटन दबाया है उसका नाम यहाँ पे नहीं आया है एक्स वाई जेड एक ही पार्टी का नाम आ रहा है दूसरी तरफ ओपिनियन ये है कि हमें क्या करना चाहिए हमें जितने भी वी वी पैट पर्चियाँ निकाल रहा है उनको निकाल के जो क्या जो आया है वोटर जो आया है डालने के लिए वोट उसको हाथ में दिया जाए और फिर वो अलग बॉक्स में जाके डाले फिर एक एक पेपर एक एक पर्ची की जो है है उसकी गिनती हो नंबर जैसे पहले हुआ करता था ये क्वेश्चन उठाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें डालने ही नहीं दिया जा रहा ये सारी चीजें चल रही हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है देखो ये सारी चीजें बैटरी ऑपरेटेड है ये पूरा सिस्टमेटिकली चलता है ये मशीन है इसके अंदर हेर फेर करना जो है वो मुमकिन नहीं है ये इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है अब देखिए क्या सिचुएशन क्या थी सुप्रीम कोर्ट में तीन चीजें रेस करी गई थी देर वर थ्री प्लीज जो सुप्रीम कोर्ट में ली गई थी सबसे पहले था दैट वी शुड रिटर्न टू दी पेपर बैलेट सिस्टम जो पर्ची सिस्टम में बता रही थी ना एक बक्से में जाके पर्ची डालो वो उसमें रिटर्न कर जाओ दूसरी प्ली ये थी दैट दी प्रिंटेड स्लिप्स ऑन वीवीपैट मशीन शुड बी गिवन टू दी वोटर्स ये वोटर को देनी चाहिए कि वो वेरीफाई करे और उसको बैलेट बॉक्स में खुद से डाले कि उसकी गिनती करी जाए और लास्ट जो प्ली थी ये तो सेकेंड हो गई लास्ट प्ली ये थी कि देर शुड बी हंड्रेड परसेंट काउंटिंग एक एक पर्चे की काउंटिंग करो ऑफ दी वीवीपैट स्लिप्स इन एडिशन

यहाँ पे कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मना कर दिया देखिए प्रोटोकॉल इन प्लेस कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी होते हैं और डेटा विच इज ऑन रिकॉर्ड इस वजह से हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भाई इतनी बड़ी कंट्री के अंदर ये अलाउ कर देना सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता ये अपने में ही बहुत बड़ी बात हो जाती इस पॉइंट पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है और लास्टली एक चीज और मैं जजमेंट की आपको बताना चाहूंगी पहले तो ये याद रखना ये दो जजेस की डिविजन बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना थे और जस्टिस दीपांकर दत्ता थे इन दोनों की बेंच थी ये याद रखिएगा बहुत लैंडमार्क हिस्टोरिक डिसीजन रहा है ये बीते टाइम का लास्ट चीज देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस जजमेंट का मैं पॉइंट आपके लिए लेके आई हूँ देखो ईवीएम के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर मेमोरी होती है यहां पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी इश्यू करी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं यह भी ध्यान रखना चाहिए आपको क्या कहा इन्होंने कहा है कि जो बर्थ मेमोरी है माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम के अंदर इसको चेक किया जा सकता है बाय टीम ऑफ इंजीनियर्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएं अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है उसका कोई स्कोप बच रहा है तो इंजीनियर्स की टीम जो है उसके बर्न मेमोरी की को चेक कर सकती है कि एक्चुअली में बटन दबा था तो वीवी -वी पैट ने क्या आ, पर्ची निकाली इन सारी चीज़ों को एग्जामिन किया जा सकता है ठीक है अब ये जो इंजीनियर की टीम है ये कब जांच करेगी तब जांच करेगी जब रिक्वेस्ट रेस किया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा जो दूसरी या तीसरी पोजिशन पे आएगा जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी या तीसरी पोजीशन पे आएगा वो अगर रिक्वेस्ट करे कि भाई इंजीनियर्स जांच करे इस बारे में तो वो कर सकते हैं सच आ रिक्वेस्ट ये जो रिक्वेस्ट है इसको सात दिन के अंदर अंदर आपको करना है जैसे मान के चलो अगर पांच तारीख को रिजल्ट आ रहा है तो आपको यहां से सात दिन के अंदर अंदर यानी कि बारह तारीख से पहले पहले आपको रिक्वेस्ट uh, रेस करनी होगी एक्चुअल अब उसमें कितने रुपए का खर्चा होना है वो खर्चा जो है वो कैंडिडेट खुद उठाएगा चाहे लाख रुपए का हो चाहे पचास हजार का हो चाहे दस हजार का हो ठीक है एक्सपेंसिस इनकेस दी एम आर फाउंड टू बी टेम्पर्ड विध ये क्लियरली जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर ये निकल के आता है जब इंजीनियर इसको टेस्ट करेंगे चेक करेंगे और निकल के ईवीएम की फॉल्ट थी ईवीएम की गलती थी और जीत तो एक्चुअली ये कैंडिडेट रहा था तो लाख रुपए हो चाहे दस लाख रुपए हो ये रिफंड पैसा आपका किया जाएगा ठीक है और जस्टिस दत्ता ने ये भी कहा कि ब्लाइंडली अगर हम डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं अगर हम ईवीएम या वी पैट को आप भी बताना क्या लगता है आप लोगों को ज, जस्टिस दत्ता का कहना यह था कि अगर ईवीएम या वी पैट को अगर हम ब्लाइंडली डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं यानी कि आउटराइटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है ही नहीं तो ये भी अच्छा अंदेशा नहीं होता है। ये भी किसी भी कंट्री के अंदर दिस विल नॉट गिव अ गुड आउटकम आउटकम इसका अच्छा नहीं निकलेगा इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये अनवॉरेंटेड, यानी कि आपको कोई जेनुइन सस्पेश नहीं है बस आप बोल रहे हो कि ये चीज़ गलत है कुछ ठोस चीज नहीं है कुछ ठुका बजा लेके आई है जस्टिस जस दीपांकर दत्ता ने कहा तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए वॉट इज वी वी पैट होता क्या एक्चुअली ये तीनों डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए ये जो है ये डिवाइस कनेक्टेड होती है बैलेट से बैलेट में हम लोग जाके वोट डालते हैं वो बैलेट पेपर जो बैलेट आपका सिस्टम होता है मशीन होती है ये आपकी वी वी पैट से लिंक्ड होती है जो बटन दबाओगे वो यहाँ पे पर्ची में निकल के आता है तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने हंड्रेड परसेंट टेस्ट मतलब जो चेक करने के लिए कहा गया था वेरिफिकेशन उसके लिए मना कर दिया है और इसी पॉइंट पे आज का मेरा जो टॉपिक था वो एंड होता है बट ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपको क्या करना है आपको पढ़ाई करते रहना है अपना ध्यान रखना है और बताइएगा कि वीवी वी पैट का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा